मीटिंग में हमारे तीनों पदाधिकारी सीएम साहब थे, गोविंद जी डोटासरा साहब थे और रंधावा साहब थे। एक एक करके बुलाया सबको, तो जब मेरा नंबर आया मैं गया और उन्होंने आगामी चुनाव के लिए पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उसके बारे में सुझाव मांगे। जो भी हमारा मेरा जो व्यक्तिगत फील्ड का एक्सपीरियंस है वो मैंने उनको साझा किया। जो मांगे उन्होंने विषय पूछा कि भाई इसमें क्षेत्र में क्या किया जाए, बूथ लेवल पे क्या किया जाए, जिला लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे जो भी है तो वो बताएं। स्कीम्स के बारे में पूछा, स्कीम्स का हमको कितना फ़ायदा मिल रहा है, कितना नहीं मिला, जनता में क्या उसका रिएक्शन है, जो हमारा अनुभव है बताएं। पार्टी गुटबाजी को लेकर कुछ सवाल हो? नहीं, कोई गुटबाजी। सर, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया ताकि सरकार पिछले 4.5 साल में जो भी 4.25 साल में हुए काम काज उससे आप खुश है या नहीं, आपकी जनता खुश है नहीं, क्या आप इंडिविजुअली अपने इलाके में हुए विकास से खुश है या कुछ बाकी रह गया था? नहीं, मुझे तो मेरी बता सकता हूँ हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, तो मैं तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जो पूछा मैंने बताया, और मैंने बताया कि सकारात्मक माहौल है, जो सरकार की नीति आई है उसको जनता को लाभ मिल रहा है और जनता इसको सराह रही है। जो गुटबाजी है ही नहीं तो गुटबाजी की कैसे बात करेंगे? आपके क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार की बात भी होती है, कथित भ्रष्टाचार की जो बातें आई थी? जो भी पार्टी के हित की बातें होती है, जो भी जनता के हित की बातें होती है, सब बातों पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता की जो भी शंका है, शुभा है, उसको दूर करें। हरी जी, क्या भूमिका रहनी चाहिए सचिन पायलट की, ये आपने बताया? मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पूछा था, जिसके बारे में मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। तो जो मेरा अनुभव है, जो भी मैं जानता हूँ, जो मैंने बताया पार्टी के हित में, और पार्टी ने समय दिया उसके लिए पार्टी का आभार। गुटबाजी बिल्कुल नहीं है पार्टी में, महोदय मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, पहली बार MLA बना हूँ, तो मैं जितना बड़ा हूँ जितना छोटा हूँ आपके सामने हूँ, और मैंने जो कुछ बताया मेरे अनुभव के आधार पे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जो बताना था। गुटबाजी पार्टी में बिल्कुल नहीं है, सब मनमुटाव दूर हो गए? गुटबाजी बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक है। उनके सवाल का तो वही जवाब देंगे ना सर। अभी जो स्थितियाँ हैं उसमें क्या सरकार रिपीट हो सकती है या कुछ सुधार करने की और गुंजाइश है? सुधार की हरदम गुंजाइश रहती है। अगर आपके 90% मार्क आए, अगर और मेहनत करो तो 95 भी आ जाएंगे, 98 भी आ जाएंगे, नंबर तो गुंजाइश तो हरदम रहती है, कौन मना कर सकता है? लेकिन क्या सर, बड़े लीडर एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ये कभी नुकसान नहीं कर सकता आपकी जनता भी? मैं तो छोटा लीडर हूँ सर, मैं तो पहली बार का MLA हूँ, तो मैं तो मेरे बारे में बोल सकता हूँ। MLA क्या है? MP प्लस MLA। अब आप कुछ भी कह दो, जो भी, मैं आपका प्रथम बार का MLA हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, खुल के चर्चा हुई, जो भी हमारे विषय थे, पार्टी के हित के विषय थे, जनता के हित के विषय थे, उनके बारे में चर्चा हुई और भविष्य में हमको आने वाले चुनाव के लिए क्या किया जाना चाहिए पार्टी के हित में, सबने अपने मैंने विचार दिए और पार्टी के नेताओं ने सुने, उनके लिए मैं उनका आभारी हूं। आपने असेंबली में भी कई बार मुद्दे उठाए थे, चाहे FIR दर्ज नहीं हुई उसका मुद्दा हो, और कई मामले थे, आज भी रखे हैं आपने प्रभारी के सामने ये सब बातें? आज जो भी उन्होंने पूछे, देखो वो इंटरव्यू हमसे पूछने आए, उन्होंने हमको आमंत्रित किया, हम लोग गए और जो विषय उन्होंने रखे हमारे सामने, उनके बारे में अपने विचार खुल के दिया और खुल के सुना, उनका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने सबको मौका दिया, कोई समय सीमा नहीं थी, अपनी बात रखी, खुल के उन्होंने सुना, अप्रिशिएट किया। क्या होना चाहिए सर, ये तो बताया है? क्या होना चाहिए अगले 6-7 महीने के लिए फीडबैक क्या? मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? मैंने मेरी पार्टी के बारे में वहाँ स्थिति क्या है, पार्टी को आने वाले चुनाव में क्या करना चाहिए और कैसे मजबूत करें पार्टी, क्या करना चाहिए सर, यही आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? तो बता दिया उनको, करप्शन बड़ा इशू है और सेंटर में एक आपकी पार्टी है, वो करप्शन के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, सचिन पायलट भी यहाँ करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं, इस पर भी कोई चर्चा हुई है कि पिछली सरकार के जो मुद्दे थे भ्रष्टाचार के, उनकी जाँच होनी चाहिए? मेरे से जो, मैं तो मेरे बारे में तो वो एक अकेला था, दूसरा तो मेरे साथ था नहीं, तो औरों से क्या हुई वो मुझे पता नहीं, मेरे बारे में जो चर्चा हुई कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में देवली उनियारा में आगामी चुनाव में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए उसके बारे में चर्चा हुई, और क्षेत्र के बारे में जो मेरा नॉलेज है वो मैंने उनको साझा की। उनसे करप्शन के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं सर? मेरे सोचने की क्या वैल्यू है? मैं एक MLA की हैसियत से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो मैं कह सकता था जनता के हित में, पार्टी के हित में, जो कुछ भी मुझे कहना था मैंने कहा। देवली उनियारा को लेकर फिर क्या सोचिए, वहां का पार्टी की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है, और क्या पिछली बार भी जीती थी इस बार भी जीतेगी? कुछ समस्याएं बताइए आपने वहां की। नहीं, समस्या तो अभी राजनीतिक चर्चा थी ये कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए चुनाव के लिए, उसके बारे में चर्चा हुई। ठीक सर।